दोस्तों, आजकल कड़कनाथ चिकन और इसका अंडा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिधर देखिए आजकल लोग कड़कनाथ मुर्गे के गुण और इसकी फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि कड़कनाथ मुर्गे और अंडे में ऐसी क्या खूबियां हैं कि इसे मुर्गा नहीं बल्कि मेडिसिन समझा जा रहा है। क्यों कड़कनाथ के अंडों को महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा रहा है? क्या इसके अंडे काले रंग के होते हैं? आप जरूर जानना चाहते होंगे कि कोरोना काल में कड़कनाथ के मीट और अंडों का डिमांड अत्यधिक क्यों बढ़ गया है? क्या सही में कड़कनाथ मुर्गा और अंडा खाने से डायबिटीज और हृदय रोगियों का इलाज होता है? क्या कड़कनाथ मुर्गी पालन से आप लाखों की कमाई कर सकते हैं? आखिर क्या है सच्चाई कि हमारे चहेते क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसकी फार्मिंग शुरू कर दी है? और सबसे जरूरी सवाल कि अगर आप भी कड़कनाथ की फार्मिंग और मार्केटिंग करके लाखों कमाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिवेश कुमार नीरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर डीके नीरज पर। अगर आपके मन में भी कड़कनाथ के मुर्गे और अंडे के हेल्थ बेनिफिट्स, इसकी फार्मिंग और मार्केटिंग को लेकर ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले की पारंपरिक मुर्गा प्रजाति है। कड़कनाथ चिकन का GI टैग मध्य प्रदेश राज्य को मिला हुआ है। बताना चाहूंगा कि GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक का मतलब भारत सरकार द्वारा प्राप्त चिन्हित क्षेत्राधिकार या व्यापारिक अधिकार होता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय, कश्मीर का पश्मीना और पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला। कड़कनाथ का मांस बिल्कुल काले रंग का होता है, जिसके कारण लोकल एरिया में इसे कालामासी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि इसके पंख, चोंच, जीभ, कलगी, पंजे, चमड़ी, हड्डी और खून भी काले रंग का होता है। दरअसल इसका खून गाढ़ा लाल रंग का होता है, जो कालापन जैसा दिखता है। इसके पूरे शरीर के कालापन की वजह अत्यधिक मात्रा में मेलानिन पिगमेंट की मौजूदगी होती है। लेकिन दोस्तों, इसके अंडे काले नहीं होते हैं बल्कि हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसका एक दिन का चूजा नीला काला रंग का होता है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 3 देश ही हैं जहां काला मांस वाला मुर्गा पाया जाता है। चीन में सिल्की प्रजाति का मुर्गा, इंडोनेशिया में अयाम समानी प्रजाति का मुर्गा और भारत के मध्य प्रदेश एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में यह कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गे की भी 3 प्रजातियां हैं, जेट ब्लैक, पेंसिल्ड और गोल्डन ब्लैक। इनमें जेट ब्लैक, जिसका रंग पूरी तरह से चमकीला काला होता है, सबसे ज्यादा प्रचलित प्रजाति है। बेहद पौष्टिक, अपने खास स्वाद और औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण देश विदेश में इस मुर्गे के दीवाने लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर कोरोना काल के समय से इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से इसका डिमांड काफी बढ़ गया है। जहां कड़कनाथ का मांस बाजार में 800 से 1000 रुपए प्रति किलो रेट से बिकता है, वहीं इसका अंडा 40 से 50 रुपए प्रति पीस बिकता है। लेकिन दोस्तों, कड़कनाथ के मीट और अंडे का यह दाम आपकी मार्केटिंग स्किल्स पर निर्भर करता है, जिसके बारे में आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, कड़कनाथ के इतना महंगा बिकने की वजह इसका पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना और साथ ही स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होना माना जाता है। कड़कनाथ के मीट में प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, आयरन, विटामिन्स, कैल्शियम और फास्फोरस आदि लाभदायक तत्व काफी अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल और फैट जैसे पदार्थ की मात्रा काफी कम होती है। जहां सामान्य मुर्गे में प्रोटीन मात्र 18 से 20 प्रतिशत पाया जाता है, वहीं कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 25% से भी अधिक होती है। साथ ही सामान्य मुर्गा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 13 से 25% के मुकाबले कड़कनाथ में मात्र 1% या इससे भी कम होती है, जिसके कारण इसका सेवन डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए काफी सेहतमंद होता है। होम्योपैथी चिकित्सा और तंत्रिका तंत्र के रोगियों के लिए भी कड़कनाथ काफी महत्व रखता है। दोस्तों, कड़कनाथ के मीट में एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्नोसिन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर में सूजन को रोकता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, मसल के डिजेनरेशन को रोकता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। कड़कनाथ चिकन में प्रोटीन और 18 प्रकार के एमिनो एसिड्स भी काफी अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण यह हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है।
जिम जाने लोग भी इसके दीवाने हैं और इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स को भी कड़कनाथ मुर्गा खाने के लिए रिकमेंड किया गया है। कड़कनाथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B1, B2, B6 और B12 भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये विटामिन नरवाइन टॉनिक का काम करते हैं और हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं। इसलिए कड़कनाथ का सेवन नसों की दुर्बलता वाले रोगों जैसे न्यूरोस्थेनिया में भी अत्यंत लाभकारी है। कड़कनाथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य मुर्गे की तुलना में नगण्य होता है, लेकिन आयरन और विटामिन ई काफी अधिक होता है। इस कारण से इसका सेवन हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम होता है। इसलिए यह दिल के मरीजों के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही हाई आयरन कंटेंट के कारण एनीमिया जैसे रोगों का खतरा भी कम होता है और लंबे समय तक काम करने पर भी थकावट नहीं होती है। कड़कनाथ में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। कड़कनाथ में एफ्रोडिसियक प्रॉपर्टी भी होती है, जिसके चलते इसका सेवन करने से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। दोस्तों, कड़कनाथ का अंडा भी इसके मीट की तरह ही बेहद पौष्टिक होता है, जिसके चलते इसका सेवन महिलाओं, ओल्ड एज व्यक्तियों और रोगियों के लिए वरदान माना जाता है। खासकर महिलाओं के प्रसव बाद की पीड़ा, सिर दर्द, मासिक धर्म की समस्याओं और प्रजनन क्षमता के विकास में यह अत्यंत लाभदायक होता है। अस्थमा पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, न्यूरो पेशेंट्स, टाइफॉइड, लंग प्रॉब्लम्स, बच्चों के ऑस्टियोमेलेसिया जैसे रोगों में भी कड़कनाथ के अंडों का सेवन काफी फायदेमंद होता है। कड़कनाथ का मीट और अंडा खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इन्हीं कारणों से कड़कनाथ को सिर्फ मुर्गा नहीं बल्कि दवाई भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कड़कनाथ से होने वाले लाखों की कमाई के बारे में, यानी कड़कनाथ की फार्मिंग और मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। दोस्तों, कड़कनाथ चिकन अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण जल्दी बीमार नहीं होता है। इसे आप मॉडर्न इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम के तहत पोल्ट्री फार्म के अंदर भी पाल सकते हैं, तो बैकयार्ड सिस्टम के तहत खुले में या घर आंगन में भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। मेरी राय में दोनों का मिला जुला रूप ज्यादा अच्छा रहता है। आप अपने बजट के हिसाब से एक पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, जिसके साथ एक अटैच्ड फेंसिंग किया हुआ खुला क्षेत्र हो तो चारे दाने का खर्च भी कम पड़ेगा। जगह का चयन भीड़ भाड़ वाली शहरी आबादी से दूर खुले हुए स्थान में बेहतर रहेगा। कड़कनाथ एक डुअल पर्पस ब्रीड है। आप इसका अंडा उत्पादन के लिए लेयर फार्म भी खोल सकते हैं, तो मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर फार्म भी चला सकते हैं। दोनों का मिश्रित रूप भी अच्छा रिजल्ट देता है। नया फार्म खोलने के लिए पूंजी की जरूरत हो तो आप पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड PVCF स्कीम के तहत सब्सिडी वाला लोन भी नाबार्ड जैसे बैंक से संपर्क कर ले सकते हैं। कड़कनाथ का नया फार्म शुरू करने के लिए आप इसका ऑथेंटिक चूजा इसके मूल स्थान झाबुआ मध्य प्रदेश के झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर खरीद सकते हैं। एक चूजे की कीमत औसतन 50 से 100 रुपया होती है, जो उसके उम्र पर निर्भर करती है। झाबुआ KBK से आप टेलीफोनिक या ऑनलाइन विधि से संपर्क कर चूजों की प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसकी डिलीवरी आपके गंतव्य स्थान तक रेल या रोड रूट से करा दी जाती है। आप निजी वाहन से भी निर्धारित तिथि को चूजों की डिलीवरी ले सकते हैं। झाबुआ KBK मध्य प्रदेश से संपर्क कर आप कड़कनाथ फार्मिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। कड़कनाथ का चूजा 3.5 से 4 महीने में वयस्क मुर्गा बन जाता है। इस समय इसका वजन 1.6 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम के लगभग हो जाता है। आपको इसके 1400 से 1800 रुपए दाम मिल जाएंगे। दाने की खपत मात्र 4 किलोग्राम के आसपास आती है, जबकि मुनाफा सामान्य मुर्गा की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा मिलेगा। अंडा उत्पादन के दृष्टिकोण से कड़कनाथ 5 से 5.5 महीने के उम्र से अंडा देना शुरू कर देती है और अगले 1 वर्ष तक अंडा देती है। वयस्क मुर्गी का वजन 1.4 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। आपको प्रतिवर्ष 80 से 85 अंडे तो मिल ही जाएंगे, जो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। अच्छी मार्केटिंग स्किल से
आपको एक अंडे के 40 से 50 रुपए भी मिल जाएंगे। लेयर फार्म खोलने के लिए मेरी सलाह से आपको मुर्गी और मुर्गे की संख्या का रेशियो 10:1 रखना बेहतर रहेगा। यानी अगर आप 30 मुर्गी से शुरू करते हैं तो साथ में आपको 3 मुर्गा रखना चाहिए। व्यापार बढ़ने पर आप खुद की हैचरी भी स्थापित कर कड़कनाथ का तैयार चूजा दूसरे पोल्ट्री फार्मर्स को सप्लाई करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छी मार्केटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के टारगेट ग्रुप को पहचान करना होगा, जैसे बड़े बड़े होटल्स और नर्सिंग होम्स। आप अपने फार्म का बिजनेस कार्ड बनवाकर उनसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको अपने फार्म का लोगो भी बनवाना चाहिए जिसमें कड़कनाथ का फोटो लगा हो, ताकि लोग देखते ही पहचान जाएं। कड़कनाथ के मुर्गे और अंडे का डिमांड बढ़ाने के लिए आपको लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। इन सब चीजों के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि का हेल्प ले सकते हैं। इस प्रकार आप अपने टारगेट ग्रुप पर फोकस करके अच्छी मार्केटिंग के जरिए कड़कनाथ की फार्मिंग से कम समय में ही लाखों की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी ही नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।